हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं प्रियोडाइजेशन यानी अवधिकालीनता के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। अवधिकालीनता क्या है, कितने प्रकार होते हैं यानी सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड कितने फेजेज होते हैं यानी कि प्रिपेटरी पीरियड, कंप्रेशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड, इन सबके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग के अन्य टॉपिक जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड अन्य टॉपिक जैसे कि सुपर कंपनसेशन क्या है, ट्रेनिंग लोड क्या है, प्रशिक्षण भार क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अन्य टॉपिक प्री सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ELT, KVS, MVS एंड TGT, PGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो बनाए गए हैं। आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद कोई भी तैयारी वैसे नहीं हो पाती है। पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अवधिकालीनता प्रियोडाइजेशन क्या है। दोस्तों, प्रियोडाइजेशन जो है यानी अवधिकालीनता, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रियोडाइजेशन यानी अवधिकालीनता का मतलब है कि पूरे साल की ट्रेनिंग, ये एक साल की ट्रेनिंग होता है कुल मिलाकर के, एक साल की ट्रेनिंग, तो पूरे साल की ट्रेनिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से सिस्टमेटिकली ढंग से इसको अरेंज किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर टॉप फॉर्म को अचीव किया जा सके। दोस्तों, ये तीन प्रकार का होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल प्रियोडाइजेशन में क्या होता है कि पूरे साल में एक प्रिपेटरी पीरियड जिसमें तैयारी कराया जाता है एंड एक कंपटीशन पीरियड जिसमें कंपटीशन होता है। एंड डबल प्रियोडाइजेशन में क्या होता है कि एक प्रिपेटरी, दो प्रिपेटरी पीरियड एंड दो मेन कंपटीशन पीरियड होते हैं। एंड ट्रिपल प्रियोडाइजेशन में आपका तीन प्रिपेटरी पीरियड एंड तीन मेन कंपटीशन पीरियड होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फेजेज ऑफ प्रियोडाइजेशन की। दोस्तों, एक प्रियोडाइजेशन के तीन मुख्य फेजेज होते हैं, जिसमें से है प्रिपेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। दोस्तों, ट्रांजिशनल पीरियड से इस बार क्वेश्चन आया था UPTGT में। दोस्तों, प्रिपेटरी पीरियड में वो होता है, प्रिपेटरी जैसे कि नाम से ही आप वाकिफ हो गए होंगे, इसमें प्रिपेयर करा जाता है यानी इसको तैयारी करा जाता है, यानी वह समय जहां एथलीट के प्रिपरेशन का मुख्य पार्ट होता है प्रिपेटरी पीरियड। इसके तीन भाग होते हैं जैसे कि आगे मैं बताऊंगी, यानी ये 6 से 7 महीने का होता है। कंपटीशन पीरियड जो होता है आपका, इसमें कंपटीशन कराया जाता है, वह समय एथलीट का मेन कंपटीशन का होता है, यानी इसमें दो भाग होते हैं, ये 4 महीने का होता है। एंड ट्रांजिशनल पीरियड जिसमें रेस्ट दिया जाता है, 1 महीने का होता है, वह समय जहां एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए प्रियोडाइजेशन को शुरू कर सके। दोस्तों, ट्रांजिशन अवधि क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, यह क्वेश्चन इस बार UPTGT में आया था। दोस्तों, उसमें ऑप्शन था कि स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सुपर कंपनसेशन, रिएक्शन, रिकवरी। आपके आंसर कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, तो रिकवरी यहाँ पे सही होगा, यानी रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रियोडाइजेशन, कंपटीशन, प्रिपेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड की पार्ट यानी भागों के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रिपेटरी पीरियड, दोस्तों इसके तीन भाग होते हैं जिसमें आपका प्रिपरेशन कराया जाता है। इसके तीन भाग जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, तो इसके तीन भाग होती है PP1, PP2, PP3। इन सभी फेजेज के और भी उपभाग होते हैं, जैसे कि प्रिपेटरी पीरियड के ट्रेनिंग डिजाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्रिपेटरी पीरियड के तीन भाग जैसे कि PP1, PP2, PP3, ये 6 से 7 महीने का होता है। कंपटीशन पीरियड के तीन भाग CP1, CP2, ये 4 महीने का होता है। और ट्रांजिशनल पीरियड हमेशा 1 महीने का होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, प्रिपेटरी पीरियड लगभग 6 से 7 महीने का होता है। इसमें भाग वन यानी PP1 में यह 2 से 3 महीने का होता है। दोस्तों, इसमें क्या करा जाता है कि तीव्रता लो और वॉल्यूम हाई रखा जाता है, यानी कि हाई वॉल्यूम एंड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाती है। जैसे कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में मैं ट्रेनिंग लोड वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम यानी हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी, यानी जितना ही वॉल्यूम मतलब उस कार्य को कितना समय तक किया गया, यानी जितना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा आपका इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना ही कम होगा, यानी आप कितने स्पीड से कार्य कर रहे हैं आपकी तीव्रता होता है। तो हाई वॉल्यूम रखा जाता है इसमें और लो इंटेंसिटी,
हाई वैल्यू मतलब कार्य का समय ज्यादा, लो इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम। हाई वैल्यू लो इंटेंसिटी, कोई भी ज्यादा समय का कार्य में लो इंटेंसिटी लो होता है, अब ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो भाग प्रिपेटरी पीरियड के भाग वन में हाई वॉल्यूम और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाती है। इसका उद्देश्य होता है प्रीवियस प्रदर्शन को अचीव करना, ठीक है। एंड बेसिक एक्सरसाइज इसमें की जाती है, कोई टेक्निकल तथा टेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है इसमें। और पीपी टू यानी कि भाग दू में, ये भी 2-3 महीने का होता है, 2 से 3 महीने का। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर जोर दिया जाता है, जबकि भाग वन में बेसिक एक्सरसाइज पर, इसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर जोर दिया जाता है। इसमें हाई वॉल्यूम के साथ इंटेंसिटी को भी थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। एंड इसका उद्देश्य होता है कि हर मोटर कंपोनेंट को डेवलप करना, जैसे कि आपका स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इन सबको इंक्रीज करना होता है, डेवलप करना होता है। एंड टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है, जबकि टेक्निकल ट्रेनिंग अभी भी स्टार्ट नहीं किया जाता है। ये था भाग दो या भाग तीन प्रिपेटरी पीरियड के। भाग तीन में पीपी थ्री में यह 2 माह का होता है। इसमें हाई इंटेंसिटी विद मीडियम वॉल्यूम के एक्सरसाइज की जाती है। स्पेसिफिक मोटर कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए कंपिटिटिव एक्सरसाइज इंट्रोडक्ट की जाती है इसमें। एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, जबकि टेक्निकल ट्रेनिंग इंट्रोडक्ट कर दी जाती है, यानी शुरुआत कर दी जाती है। ये था आपका प्रिपरेटरी पीरियड के 3 भाग। अब बात करते हैं कंपटीशन पीरियड के 2 भाग। ये 2 भाग होते हैं इसके, ये 4 महीने का होता है। एंड सीपी1 एंड सीपी2, सीपी1 एंड भाग 1 2 माह का होता है। इसमें क्या कराया जाता है कि हाई इंटेंसिटी एंड लो वॉल्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाता है, एंड हाई टेक्निकल और टेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कंपटीशन पीरियड है। बिल्डअप कंपटीशन जैसे कि प्रैक्टिस मैच शुरू किए जाते हैं, कंपटीटिव एक्सरसाइज की जाती है। इसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, पर्पज होता है टू अचीव टॉप फॉर्म, यानी टॉप फॉर्म को अचीव करना इसका उद्देश्य होता है। CP2 यानी कि दूसरा भाग होता है कंपटीशन पीरियड का, ये 2 मंथ का होता है। इसका उद्देश्य होता है टॉप फॉर्म को अचीव करके रिटेन करना। हाई तीव्रता और वेरी लो वॉल्यूम की एक कंपटीटिव एक्सरसाइज की जाती है। टेक्निकल ट्रेनिंग की वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है। एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का एम टेक्निक पर मास्टरी अचीव करना होता है। इस फेज में साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड को एक्टिव रिकवरी फेज भी कहा जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिशनल पीरियड दोस्तों 1 माह का होता है, यानी किसी भी हालत में 1 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य होता है डेवलप मोटर एबिलिटी का 40 से 50% तक रिटेन करना। ये हर वीक 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और दूसरे स्पोर्ट्स भी खिलाए जाते हैं, इसलिए इसको एक्टिव रिकवरी फेज कहा जाता है। यह क्वेश्चन इस बार पूछा था, ट्रांजिशनल अवधि का लक्ष्य क्या है, तो रिकवरी यानी रेस्ट करना इसका लक्ष्य होता है, कि वो प्रीवियस ईयर के अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके। तो दोस्तों ये था आपका अवधिकालीनता यानी पीरियडाइजेशन। जैसा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका क्या कार्य है, कितने प्रकार का होता है, कितने फेजेज होते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अब इससे आएगा तो आप बहुत ही जल्द आंसर उसका दे लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों एंड ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जिसे आपके माध्यम से उन तक भी एक क्वेश्चन या ये नॉलेज पहुँच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका होगा कि ट्रेनिंग साइकिल क्या है, जैसे कि मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।